जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूज़कास्ट पर। दोस्तों, आज स्पर्श पेंशन सिस्टम पर एक नया जो स्पष्टीकरण PCDA द्वारा दिया गया है, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन द्रौपदी घाट इलाहाबाद की तरफ से 2 मई 2022 को ये जो है एक सर्कुलर निकाला गया है और इसे एड्रेस किया है RO PAO को, ORO and HOO को। सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हैं क्लेरिफिकेशन ऑन रिपोर्ट डेथ एंड इनिशिएट फैमिली पेंशन फंक्शनैलिटी अवेलेबल ऑन स्पर्श पोर्टल की बात की गई है, यानी कि स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध मृत्यु की रिपोर्ट करें और पारिवारिक पेंशन शुरू करें, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन दिया गया है। इसमें बताया गया है, पहले पैरा में कि पारिवारिक पेंशन के बकाया और अटके हुए मामलों की जांच करते समय यह देखा गया है कि इच्छित लाभार्थी मृत्यु और आरंभिक पारिवारिक पेंशन की रिपोर्ट करने के लिए सही कार्य क्षमता का चयन नहीं करते हैं। ऐसे 2 अनुरोध हैं जिसमें मृत्यु की रिपोर्ट और पारिवारिक पेंशन शुरू करने के संबंध में हैं, जहाँ इन कार्य क्षमताओं को उपयोग में भ्रम की स्थिति प्रतीत होने के कारण अर्थात पेंशन भोगी की मृत्यु के मामले में किसका उपयोग किया जाए उसके रिगार्डिंग बंदे को ये कन्फ्यूजन रहता है। दूसरा पैरा कहता है कि सेवा अनुरोध मृत्यु की रिपोर्ट करें और पारिवारिक पेंशन शुरू करें एक गैर पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य के लिए कुछ ऑप्शंस उपलब्ध कराए हैं। ऑप्शन नंबर ए में रिपोर्ट डेथ रिक्वेस्ट की बात की गई है, जहां पर बताया गया है कि मृत्यु की रिपोर्ट करें अनुरोध का उपयोग करने का क्या इरादा है, क्या आपका इंटेंड है, वो यहां बताया गया है, जिसमें बोला है कि पति या पत्नी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना देना, मृत्यु की रिपोर्ट करने के लिए और उसके अनुमोदन के बाद परिवार को आरंभ करने का अनुरोध करने के लिए पति पत्नी के अलावा परिवार किसी सदस्य द्वारा पेंशन, और तीसरा बताया जब पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध ना हो और पेंशन होनी चाहिए तब इसको रोका गया है, यानी तब उसको रोका जाना, यानी कि व्हेन देयर इज नो पर्सन अवेलेबल टू क्लेम फैमिली पेंशन एंड पेंशन हैज़ टू बी स्टॉप इट। उसके बाद ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, इनिशिएट फैमिली पेंशन की बात की गई है, जहां पर ये बताया गया है कि परिवार पेंशन शुरू करें अनुरोध को निम्नलिखित की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है, यानी कि जब आपको फैमिली पेंशन इनिशिएट करनी है तो आपको रिक्वेस्ट कहाँ करनी होगी और क्या उसकी आवश्यकता है, उसके रिपोर्टिंग के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर दी गई हैं, और वो स्टेप्स में सबसे पहले बताया वर्तमान पेंशन भोगियों की मृत्यु अयोग्यता की रिपोर्ट करें और परिवार पेंशन का दावा करें, दूसरा विधवा के पुनर्विवाह की रिपोर्ट करें, और तीसरा मौजूदा पारिवारिक पेंशन भोगी द्वारा आश्रित की गैर सहायता की रिपोर्ट। पैरा नंबर 3 में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की बात की गई है, जहाँ पति या पत्नी द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह दस्तावेज या रोजगार दस्तावेज या पति पत्नी के अलावा की वसूली आदि की घोषणा के साथ बैंक खाते के विवरण का अधिनतिकरण स्क्रीन उपलब्ध है, जिसे लाभार्थी दावेदार द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करें या करने के लिए अनुरोध जमा करते समय ये आपको देना होगा इनिशिएट फैमिली पेंशन के लिए। और लास्ट पैरा है 4, जिसमें बताया गया है कि अनुरोध इसलिए किया गया कि मृत्यु की रिपोर्ट की जा सके और पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है, उसके उद्देश्य के लिए ये अनुरोध किया जाना चाहिए। कार्य प्रणाली का चरणवार प्रवाह मार्गदर्शन के लिए इस लेटर में एक एनेक्सचर जोड़ा गया है, उस एनेक्सचर को भी आप देख लीजिए, ये वो एनेक्सचर है। इस एनेक्सचर में एक्सेस ऑफ सर्विस सेंटर और पोर्टल बाय यूजर्स के बात की है, जहाँ पर आप 2 तरह से यूजर्स जो हैं सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं, और अराइजिंग सर्विस रिक्वेस्ट एंड ग्रेवेंसेस फ्रॉम सर्विस सेंटर कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑफ नॉन यूजर्स नॉन रजिस्टर्ड यूजर एट सर्विस सेंटर कर सकते हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो सर्विस सेंटर पर करें, रिपोर्ट डेथ की
कार्रवाई किस तरह से होगी वो यहाँ पे बताई गई है, और इनिशिएट फैमिली पेंशन कार्रवाई क्या होगी वो यहाँ पे बताई गई है। ये है एक इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप सभी पेंशनर्स को जो बेचारे स्पर्श से पीड़ित हैं उनके लिए ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद फॉर द नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली वन एंड वन ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूजकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।